क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। तो हम तैयारी कर रहे हैं नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, नीट यूजी, और इसके लिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं बायोलॉजी। और बायोलॉजी की जो किताब पढ़नी चाहिए उस किताब का नाम है एनसीईआरटी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट 7 से है। सो 12th बायोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से, इसी में जेनेटिक्स भी आती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं चैप्टर 6 की, और ये चैप्टर है इवोल्यूशन। और जिस सेक्शन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट वुड बी पार्ट ए ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। सो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन में मैं दो वीडियो करूंगा। ये पहला वीडियो है ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में। मैन इज कंसिडर्ड एज द पिनेकल ऑफ इवोल्यूशन। सो हम अपने ही ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन है वो बहुत सिंपल नहीं हो सकता। क्लास 12th के लेवल पर बहुत ही एक ब्रीफ एब्रीविएटेड डिस्कशन आपके साथ किया गया है। मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी को एक्सटेंड करूंगा, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये जो नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हमें टाइम भी मैनेज करना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे खुद के ओरिजिन रिवोल्यूशन की बात हो रही है, तो थोड़ा सा लीनिएज को समझने के लिए हल्का सा इसको एनसीईआरटी से एक्सटेंड करेंगे, ताकि ना केवल एनसीईआरटी की सारी बात हमें ढंग से समझ में आ जाए, बल्कि थोड़ा सा हमारा इंटरेस्ट भी बने। आफ्टर ऑल दिस इज इवोल्यूशन ऑफ आर सेल्फ। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज यहां पर समझ लीजिए, ह्यूमन बींग्स को जब अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि पिनेकल ऑफ इवोल्यूशन है, सो इतने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स से ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ पर है। आपको पता है आर्की बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, अर्लीस्ट बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, तब से इवोल्यूशन वर्क कर रहा है, तब से नेचर सेलेक्ट कर रही है, मिलियंस ऑफ स्पीसीज के ऊपर एक्ट कर रही है, और उस टाइम पर आप ये कह रहे हैं कि ये जो पिनेकल है इवोल्यूशन का ह्यूमन बींग है। अगर मैं एक घड़ी बना दूँ जो 24 घंटे की है, तो टाइम शुरू होगा तो ह्यूमन बींग्स लास्ट मिनट में आए हैं। सो यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि हमने ही इवोल्यूशन लिखा है, हम ही अपने बारे में पढ़ रहे हैं, तो बायस्ड हैं, हमने अपनी ही तारीफ में ये कह दिया कि हम सबसे अच्छे हैं। सो देखिए, हम सबसे तेज दौड़ नहीं सकते, हमारी देखने की शक्ति सबसे अच्छी नहीं है, हमारी सुनने की शक्ति सबसे अच्छी नहीं है, सूंघने की शक्ति सबसे अच्छी नहीं है, हम पेड़ पर बहुत तेजी से नहीं चढ़ सकते, हम तैर बहुत अच्छा नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, लड़ नहीं सकते बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से, तो फिर हम किस चीज में ये कह रहे हैं कि हम सबसे अच्छे हैं। तो आप ये देखेंगे कि एक तो ये जो नियो कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये बहुत बड़ा हो गया है। सो ह्यूमन बींग्स का जो ब्रेन साइज है बॉडी प्रोपोर्शन के हिसाब से लार्जेस्ट है एनिमल वर्ल्ड में। सो इसीलिए ह्यूमन बींग्स का बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस रखा गया है। होमो सेपियंस का मतलब होगा द वाइज मैन। सो इसका मतलब होगा द वाइज मैन। सो ये देखिए, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज आ गई। दूसरी चीज ये है कि ये जो थंब का मूवमेंट है, ये जो आपकी जो हैंड्स है, इनमें यहाँ पर बहुत सारी मसल्स है, यहाँ पर डेक्सट्रिटी है मूवमेंट का, आप बहुत फाइन मूवमेंट कर सकते हैं। इस छोटे से पार्ट में बहुत सारी मसल्स हैं जिनको ब्रेन में रिप्रेजेंट किया गया है एक बहुत बड़े एरिया से। इसकी वजह से आपका जो मूवमेंट है वो बहुत फाइन है, डेक्स्ट्रस है, टूल कैपेबिलिटी है, आप लिखने से लेकर के, गाड़ी चलाने से लेकर के, नोट गिनने से लेकर के, पानी पीने से, बटन लगाने से, सारे काम में इस वाले मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इतना फ्री मूवमेंट और किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं है। ये वो दो चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा कि बेसिकली आप ये देखेंगे कि हमारा जो है हमें पिनेकल ऑफ इवोल्यूशन पर लेके जाता है। इसके अलावा हम बिल्कुल इरेक्ट पोस्चर है, बाइपीडलिज्म है, इसमें हमारा जो स्केलेटल चेंज हुआ है, ये सब चीज़ें हम इसी उसमें देखने जा रहे हैं कि किस तरह से कॉमन एंसेस्टर से ये ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व हुए। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक एक लीनिएज को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं।
क्लेडिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लेडिस्टिक्स में आप एक क्लेडोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं और फाइलोजेनी ट्रेस करते हैं एक ग्रुप की, जिसमें उनका एक कॉमन एंसेस्टर है और उसके सारे लीनिएजेस को आप उस फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हिसाब से जब आप अरेंज करते हैं तो आप एक लीनिएज ट्रेस करके उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब आप टेक्सोनॉमिक हायरार्की में, वहाँ पर भी फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन को फॉलो किया जाता है, जब आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो ग्रुप्स ज़्यादा इंक्लूसिव होते हैं, नीचे जब आप आना शुरू होते हैं तो ज़्यादा एक्सक्लूसिव होते हैं। ऊपर लीनिएज ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जैसे जैसे आप स्पीसीज की तरफ आते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टर्स है उनका नंबर बढ़ जाता है और लीनिएज ट्रेस करना बहुत आसान है। तो चलिए हम इस लीनिएज, ह्यूमन बींग्स की लीनिएज को ट्रेस करते हैं। हम सबको पता है कि ह्यूमंस बिलोंग टू मैमेलिया, सो हमें यह पता है कि ह्यूमंस आर मैमल्स, दे बिलोंग टू मैमेलिया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ध्यान है कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की में इस पोजीशन को मैमल्स कहा जाता है। मैमरी ग्लैंड्स है और हेयर है, ये दो कैरेक्टर्स हैं, एक को मैंने कहा मैमरी ग्लैंड और दूसरे को हमने ये कहा कि इनके पास हेयर है, सो ये सब मैमल्स हैं। हम भी मैमल्स हैं, बहुत सारे मैमल्स हैं। इन मैमल्स के बाद में जब आप देखेंगे तो देयर इज़ एन ऑर्डर, इस मैमल्स में बहुत सारे ऑर्डर हैं और एक ऑर्डर है प्राइमेटा, सो वी ऑल्सो बिलोंग टू प्राइमेटा, वी आर प्राइमेट्स एज वेल। और टेक्सोनॉमिक हायरार्की में इस टेक्सोन को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर से क्लास मैमेलिया में एक ऑर्डर हमारा भी है प्राइमेटा। प्राइमेटा में ऐसी क्या खास बात है जो कि मैमल्स के बाकी ऑर्डर से इसको अलग करता है? तो दो चीज़ें आपको एक साथ अगर देखने को मिलेंगी तो वो इस ऑर्डर में देखने को मिलेंगी। एक तो आप ये कहेंगे कि इनके पास ग्रेस्पिंग फिंगर्स और टोज हैं, इसकी इम्पॉर्टेंस मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होती जाएगी और ये जो थंब की मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। इसके अलावा इनके पास बायनोक्यूलर स्टीरियोस्कोपिक विजन है, सो ये दोनों चीज़ें और भी ऑर्गेनिज़म्स में हो सकती है, किसी में ये हो सकती है किसी में ये हो सकती है, पर दोनों एक साथ आपको प्राइमेट में देखने को मिलेगी। तो हमने कहा स्टीरियोस्कोपिक विजन, इसका मतलब समझिए, बायनोक्यूलर का मतलब है दोनों आँखों से एक ही ऑब्जेक्ट को देखना, तो मेरी आँख बिल्कुल सामने है, मैं एक ही ऑब्जेक्ट को दोनों आँखों से देख सकता हूँ। स्टीरियोस्कोपिक का मतलब ये है कि मैं एक ही ऑब्जेक्ट की इमेज दोनों आँखों से बना रहा हूँ, एक आगे से एक पीछे से, मुझे डेप्थ परसेप्शन हो रहा है और मूविंग पैरलैक्स आपने फिजिक्स में पढ़ा है, मुझे एक आइडिया लग जाता है कि किस स्पीड से ऑर्गेनिज्म या कोई चीज मेरी तरफ आ रही है। इसके अलावा एक और एस्टेरिक मार्क के साथ लिखते हैं कि इनका ब्रेन साइज इंक्रीज होता जा रहा है, और ये एस्टेरिक शब्द मैंने इसलिए लगाया है, ये एस्टेरिक मार्क मैंने इसलिए लगाया है ताकि हमें ये ध्यान रहे कि हम ब्रेन साइज का एक एक मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बॉडी के प्रोपोर्शन में कितना ब्रेन साइज का परसेंटेज है उसकी बात कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स का जो बाकी बॉडी प्रोपोर्शन के हिसाब से जो वेट है, जो ब्रेन का परसेंटेज है, वो काफ़ी हाई है, हाईएस्ट है, बल्कि मुझे कहना पड़ेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जो कि ह्यूमन बींग्स को यूनिक बनाता है। अब हमारे पास, हमें ये पता चल गया कि हम जब ये फाइलोजेनी ट्रेस कर रहे हैं तो हम इस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं विच इज़ प्राइमेट। इस प्राइमेट में हमने अलग किया प्रोसिमियंस को, प्रो का मतलब होता है पहले और सिमियंस का मतलब होता है मॉन्कीज, सो दीज आर बिफोर मॉन्कीज। सो बिफोर मॉन्कीज आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉक्टर्नल है, जनरली सारे टाइम पेड़ पर रहते हैं, ज़मीन पर नहीं आए। अगर आपने लीमर टार्सियर की फ़ोटो देखी है तो बहुत बड़ी बड़ी आँख होती है, लंबी पूँछ है, और हमने ये कहा कि यहाँ पर हमारे पास लीमर्स हैं, लीमर्स में इसके अलावा लोराइजिस हैं और टार्सियर्स हैं, सो ये सारे के सारे प्रोसिमियंस हैं, बिफोर मॉन्कीज है। इसका मतलब अब जो मेरे पास बच गया उसमें मॉन्कीज आएंगे और इनको हम कहेंगे एंथ्रोपॉइड्स, सो इनको हमने कहा एंथ्रोपॉइड्स। एक शब्द तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, सो एक तो शब्द ये समझिए कि एंथ्रोपॉइड्स में कौन कौन है। एंथ्रोपॉइड्स में मॉन्की है, एंथ्रोपॉइड्स में हमने कहा एप्स हैं, और एंथ्रोपॉइड्स में ही ह्यूमन है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मॉन्की,
ये मैंने कहा एप्स हैं, और लास्ट में हमने ये कहा कि ये ह्यूमंस हैं। सो ये सब कौन हैं? एंथ्रोपॉइड्स हैं। ध्यान से देखते जाइए। अब ये जो एंथ्रोपॉइड्स हैं, इनको आप डिवाइड करेंगे दो ग्रुप्स में, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने सबसे पहले मॉन्कीज को अलग करना है, और मॉन्कीज भी दो तरह के हैं। एक वो मॉन्कीज थे जो अफ्रीका से निकल के साउथ अमेरिका चले गए, उनको आप सबसे पहले अलग कीजिए, वो सबसे डिस्टेंट हैं, और आपने कहा इनको न्यू वर्ल्ड मॉन्कीज। सो इनको आपने कहा न्यू वर्ल्ड मॉन्कीज। सो बड़े ध्यान से देखिए, मैं सबसे पहले किनको अलग कर रहा हूँ? मॉन्कीज को अलग कर रहा हूँ। ये वो मॉन्की हैं जो अफ्रीका से निकल कर के साउथ अमेरिका में आ गए, मैंने न्यू वर्ल्ड मॉन्कीज को अलग किया। उसके बाद में जो अफ्रीका में रह गए उनको मैंने अलग किया, और इनको मैंने कहा ओल्ड वर्ल्ड मॉन्कीज। इनको मैंने कहा ओल्ड वर्ल्ड मॉन्कीज। सो देखिए, ये दो चीज़ें मैंने अलग कर दी, मॉन्कीज को मैंने अलग कर दिया। अब मेरे पास एप्स और ह्यूमंस क्लब्ड हैं। सो अब मेरे पास एप्स और ह्यूमंस क्लब्ड हैं, और मुझे अब इसको देखने के लिए मैं अगली स्लाइड पर जाता हूं, और यहां पर देखिए ये सारे के सारे जो जीनस लिखे हैं ये सब एप्स हैं, और ह्यूमंस इंक्लूड किया हुआ है। ये इस सुपर फैमिली में आए, इन सुपर फैमिली को होमिनोइडिया कहते हैं। सो अगर मैं वापस जाऊं तो मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि ये जो एप्स और ह्यूमंस हैं ये एक सुपर फैमिली में आएंगे, इस सुपर फैमिली को आपने होमिनोइडिया ये शब्द इस्तेमाल किया। इसके आगे का आप जो क्लेडोग्राम है वो यहां पर देख रहे हैं। तो ये शब्द देखिए, दिस इज दी सुपर फैमिली। ये सुपर फैमिली क्या है? होमिनोइडिया है, और इन सबको आप ये शब्द देखते जाइएगा, होमिनोइड्स कहते हैं। सो ये जो होमिनोइडिया वाले हैं ये होमिनोइड्स हैं। अब आप ये शब्द थोड़ा ध्यान से देखते जाइएगा, ये सुपर फैमिली में दो फैमिलीज हैं। एक में लेसर एप्स है, इस फैमिली का नाम सुनिए, इसे हाइलोबेटिडी कहते हैं। ये लेसर एप्स है, और लेसर एप्स में गिब्बन आता है, और गिब्बन का बायोलॉजिकल नेम हाइलोबेट्स है, इसका नाम लिख देते हैं, ये गिब्बन है। गिब्बन अफ्रीका से बाहर मिलने वाला एकमात्र जो एप है वो है, एशिया में मिलता है, हमारे यहाँ इंडिया में एक जो एप मिलता है इसको आप हुलक गिब्बन कहते हैं, और ये हुलक गिब्बन यू विल बी इंटरेस्टेड टू नो दे आर फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज सिचुएटेड और लोकेटेड इन दी असम स्टेट ऑफ द इंडिया, अदरवाइज फेमस फॉर राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस, वन हॉर्न राइनोसेरोस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये गिब्बन मिलता है। तो हमने बेटे हमने अलग कर दिया, इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हमने अलग कर दिया लेसर एप्स को, और ये गिब्बन जो उसका लिविंग है इसको अलग कर दिया। फैमिली तक बात आ गई, अब हमारे पास जो बच गए वो ग्रेट एप्स और ह्यूमंस बच गए। इसमें जो फैमिली है, ये शब्द देखिए, जो फैमिली है वो होमिनिडी है। सो इस फैमिली का नाम क्या है? होमिनिडी है, और इनको अब हम होमिनिड्स कहेंगे। सो शब्द देखिए, अब की बार में जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ वो होमिनिड्स है। यहाँ पर मैंने कहा है होमिनोइड्स, यहाँ पर मैंने शब्द क्या कहा है बेटे? होमिनिड्स। जल्दी नहीं है, ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखते रहिए। इसके बाद में मैंने इनको दो सब फैमिलीज में डिवाइड किया, और अब जो सबसे पहले अलग होगा वो ओरेंगुटेन है। सो जो चीज अलग होगा एप में, आप देखते जाइए, हमारा और ओरेंगुटेन का कॉमन एंसेस्टर सबसे ज्यादा डिस्टेंट है। तो अगर आप एप्स के साथ ये देख रहे हैं कि कौन हमारा ज़्यादा करीब का रिश्तेदार है, तो ये पैन ह्यूमन और चिंपांजी का कॉमन एंसेस्टर ज़्यादा पास होगा, ह्यूमन और गुरिल्ला का थोड़ा ज़्यादा दूर होगा, ह्यूमन और ओरेंगुटेन का और ज़्यादा दूर होगा, ह्यूमन और गिब्बन का और ज़्यादा दूर होगा। इस तरह से आप फाइलोजेनी ट्रेस करते हैं, इस तरह से आप क्लेडोग्राम बनाते हैं। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। अब हमने ये कहा कि अब हमारे पास एक टर्म आ गई, इस फैमिली के अंडर हमारे पास ये सब फैमिली आ गई, पोंगिनी जो सब फैमिली है, इसमें आपने पोंगो को अलग किया, और ये जो बच गया आपके पास ये ओरेंगुटेन है। सो दिस इज ओरेंगुटेन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब आपके पास जो सब
सब फैमिली बच गई है, वो सब फैमिली आपके पास होमिनिने है. सो दिस इज होमिनिने. सो बड़े ध्यान से देखिए, ये सब फैमिली है. इस सब फैमिली में अब ये अफ्रीकन एप्स और ह्यूमन बींग्स हैं, इनको आप होमिनाइंस कहेंगे. सो दिस इज द वर्ड दैट विल बी यूज्ड. सो अब की बार आप शब्द इस्तेमाल करेंगे, वो शब्द होगा होमिनाइंस. और आपने जो सब फैमिली इस्तेमाल किया, वो सब फैमिली कौन सी है? होमिनिने. आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर. अब आपने इसके बाद में जैसे कहा कि ये देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अब आपको सेंस मिल रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि हम फाइलोजेनी कैसे ट्रेस कर रहे हैं. इसके बाद में जो टर्म आप यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, दैट वुड बी अ ट्राइब. सो अगर आप देखेंगे तो अब जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है वो ट्राइब हो रहा है. गोरिल्ला की ट्राइब आपने अलग करी, इसमें ये जो स्पीसीज है लिविंग एक्सटेंट स्पीसीज गोरिल्ला, अब जो बच गए वो होमिनिन्स है. सो इसका मतलब ये हुआ कि ये होमिनिनी ये जो है एक ट्राइब हो गया. इसमें चिंपैंजी है और कौन है, और कौन है, हमारा जीनस है होमो. और जिस टाइम पर आपने इस चिंपैंजी को यहाँ से अलग किया, जब आपने इस चिंपैंजी को यहाँ से अलग किया, तो आपके पास जो होमोजीनस वाले यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर के ऑस्ट्रेलोपिथेकस से अभी हम देखेंगे, जब तक ये होमोसेपियंस इवॉल्व नहीं होते, यहाँ पर जितने भी हैं इनको आप होमिनिन्स कहेंगे. सो दिस वुड बी होमिनिन्स. आई होप दीज थिंग्स आर नॉट वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग टू यू. सो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं लग रहा होगा. आपने यहाँ पर इनको होमिनिन्स कहा, इनको मैंने कहा था होमिनिन्स, और इसका मतलब मैंने यहाँ कहा होमिनिड्स, यहाँ पर मैंने कहा होमिनॉयड, और ऊपर मैंने कहा होमिनिन्स. सो ये सारे के सारे टर्म्स हैं, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये समझ में आ गया. आगे चलते हैं, देखिए बड़े ध्यान से. ये वो है, ये हमने ये कहा क्लेड ग्रुपिंग. देखिए ये क्लेडिस्टिक है. सबसे पहले ओरैंगयूटैन अलग हुआ, उसके बाद गोरिल्ला अलग हुआ ह्यूमन लीनिएज से. गोरिल्ला अलग हुआ करीब 8 million years ago. सो 8 million years पहले गोरिल्ला ह्यूमन लीनिएज से, जो लीनिएज जा रही है ह्यूमन बींग्स की तरफ, गोरिल्ला अलग हुआ. और करीब 6 million years ago कौन लीनिएज अलग हुई? चिंपैंजी की और बोनोबोस की जो लीनिएज है वो अलग हुई. और उसके बाद में ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कौन आ गए, ह्यूमंस आ गए. तो ये वो सारे के सारे एप्स हैं. इन एप्स में हमने कहा ओरैंगयूटैन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, बोनोबोस और ह्यूमन बींग्स हैं. आई होप दिस इज़ नाउ एब्सोल्यूटली क्लियर. ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है कि आगे हम इसको कैसे ट्रेस करेंगे. फाइनली जब आप और आगे जाएंगे तो ये दिस वुड बी द ह्यूमन लीनिएज. सो जिस टाइम पर मैंने आपसे लास्ट में ये कहा कि जब आप चिंपैंजी की लीनिएज अलग कर देंगे, यहाँ से चिंपैंजी की लीनिएज अलग कर देंगे, तो यहाँ कहीं पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस आएगा, और फिर उसमें हम अपनी एनसीईआरटी में दिए हुए सारे के सारे जो मैंस हैं उनकी बात करेंगे, तब देखिए कि ये कौन कौन है. सो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो शुरुआत होगी ऑस्ट्रेलोपिथेकस से. ऑस्ट्रेलोपिथेकस से इस तरफ चलेंगे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से दिस वुड बी होमो हैबिलिस. हम इसके बारे में बात करेंगे, होमो इरेक्टस के बारे में बात करेंगे, नियंडरथल के बारे में बात करेंगे, और फिर फाइनली होमो सेपियंस के बारे में बात करेंगे. तो बहुत इंटरेस्टिंग एक डिस्कशन पार्ट बी में आपके साथ करेंगे. उम्मीद है यहाँ आपने ये बहुत अच्छी तरह से देख लिया है कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ. इस ट्री के बारे में आकर के पार्ट बी इस वीडियो में बात करेंगे. थैंक यू सो मच.